गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर ऑफ क्लास दैट इज इज हु इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स ए माउस एंड एन आंट द आंट वांटेड टू नो हु इज द स्ट्रोंगेस्ट एंड इस चैप्टर में आप दो दोस्तों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे वो जो एक माउस और एक आंट की है आंट ये जानना चाहती है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और उसके लिए वो ढूंढ भी रही है वंस अपॉन ए टाइम देर लिव ए माउस एंड एन आंट इन केव अंडर अ रॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम द माउस एंड द आंट व गुड फ्रेंड्स बहुत पुरानी बातें एक चूहा और एक चींटी एक गुफा में पत्थर के नीचे रहते थे बहुत दिनों से चूहा और आंट एक अच्छे दोस्त थे द आंट वॉज प्राउड दैट द माउस हु वॉज स्टीम्स टू हर सो बिग वॉज स्ट्रॉन्ग वॉज़ फ्रेंड वो बहुत खुश थी ये सोच के कि एक चूहा जो उससे काफ़ी बड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी है जो उसका दोस्त है शी यूज टू बी हैप्पी वेन एवर ही स्टॉप फॉर ए चैट हर वो बहुत खुश होती थी जब भी वो रुक रुक जाता था उसे देखकर और बातें करने लगता था बट वन डे द आंट सेट टू हर सेल्फ एक दिन उसने अपने आप से सोचा द माउस इज़ वेरी काइंड नो डाउट माउस बहुत ही दयालु है इसमें कोई शक नहीं है यट आई एम श्योर दैट वुड बी अदर सम ग्रेट क्रीचर्स आउट इन द वर्ल्ड हु आर जस्ट एज काइंड मैं यकीन से सोच सकती हूँ कि दुनिया में और भी बड़े क्रीचर्स होंगे बड़े प्राणी होंगे जो इससे भी ज़्यादा दयालु होंगे यस यस वेंट ऑन लिटल नोटिंग हर टाइनी हेड वो अपना सर हिलाकर कहने लगी आई एम श्योर आई कंड फाइंड आउट मैनी अदर ग्रेट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ द माउस अब मैं दूर दुनिया में बाहर निकल के और बड़े दोस्तों को दोस्त बनाऊंगी अब तो मैं से थक चुकी हूँ उस चूहे से आई विल सी इफ आई कैन फाइंड समवर ग्रेटर देन ही इज वहाँ देखूंगी कौन इससे बड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है उसको ढूंढ लूंगी सो द आंट क्रॉल्ड आउट ऑफ द केव अप टू द रॉक तो वो चींटी वहाँ से रेंग कर बाहर निकल आई गुफा से और पत्थर के ऊपर चढ़ गई एंड गो टू द ग्राउंड अबव और वहाँ से वो आगे ग्राउंड की तरफ बढ़ गई इट वॉज अ कोल्ड डे उस दिन बहुत ठंड थी स्नो बिगेन टू फॉल बर्फ गिरने लगी थी द आंट फील वह ऑलमोस्ट फ्रीजन जब वो बाहर निकली तो एक तरह से उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल जम जाएगी स्नो क्राइड द आंट वो जोर से चिल्लाई बर्फ यू हैव फॉर यू हैव फ्रोजन माई फीट सो दैट आई कुड हार्डली क्रॉल अलोंग तुमने तो मेरे पैर ही जमा दिए ताकि मैं आगे रिंग भी ना सकूं। यू आर यू नॉट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट इन डीड नो सेट द स्नो आई एम नॉट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड उसने कहा बेशक मैं नहीं हूँ बर्फ ने कहा आई एम नॉट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट थिंग नहीं हूँ सन इज स्ट्रांगर देन आई एम सन मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग है द सन शाइंस डाउन एंड मेल्ट मी टिल दे इज नथिंग लेफ्ट ऑन मी जब सूरज चमकता है तो मैं पिघल जाती हूँ मुझ में कुछ रहता ही नहीं है द आंट पीप अप टू द सन और चीटी ने सूरज की तरफ झाँक कर देखा सन शी सेड यू आर नाट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड उसने सूरज से भी वही प्रश्न किया कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग हो के नहीं इन डीड नो उसने कहा शायद मैं भी नहीं सेट द सन आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मैं भी दुनिया में स्ट्रांगेस्ट थिंग नहीं हूँ द क्लाउड आर स्ट्रांगर देन आई एम बादल मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग हैं व्हेन दे पास बिफोर मी दे हाइड माई फेस एंड आई कैन नो लॉन्गर शाइन अपॉन द अर्थ जब बादल मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मेरा चेहरा छुप जाता है और मैं दुनिया में चमक नहीं सकता द आंट लुक अप दासिंग लुक एट अ पासिंग क्लाउड उसने गुजरते हुए बादल को देखा क्लाउड सेड आर यू नॉट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड क्या तुम दुनिया में सबसे स्ट्रोंगेस्ट थिंग नहीं हो इन डीड नो उसने भी कहा नहीं सेट द क्लाउड आई एम नॉट द स्ट्रांगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मैं भी दुनिया में स्ट्रांगेस्ट थिंग नहीं हूँ दंड इज स्ट्रोंगर देन आई एम हवा मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग है वैन द विंड ब्लोज इट ड्राइव्स मी वेयर इट वॉन्ट्स हवा जब तेज चलती है वो जहाँ चाहती है मुझे उड़ाकर ले जाती है देन द आंट आज विंड उस फिर आंट ने विंड से पूछा ओ विंड आर यू नॉट स्ट्रॉ स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड तुम भी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट थिंग नहीं हो नी डों सेट विंड विंड ने भी कहा नहीं आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ए माउंटेन इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई एम पहाड़ मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग है नो मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो ए माउंटेन कैन टर्न मी असाइड एंड मेक मी ब्लो अनदर वे मैं कितनी भी तेज चलूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहाड़ मुझे किसी भी तरफ मेरा रास्ता बदल देता है द आंट पीप एट द ग्रेट माउंटेन उसने पहाड़ की तरफ देखा जो उसकी जिस साइड से वो गुजर रही थी डियर माउंटेन ही सेड आर यू नॉट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड तुम भी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट थिंग नहीं हो इन डीट नो सेट द माउंटेन आई एम नॉट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मैं भी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट थिंग नहीं हूँ द लिटल माउस हु लिव्स इन के वर द रॉक इज द स्ट्रॉगर दैन आई एम जो छोटा चूहा पत्थर के नीचे गुफा में रहता है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वे दिस्टी ग्रॉन्स होल्स इन इट जो पत्थरों में कुतर कुतर के अपना होल बना लेता है एट दीज वर्ड द आंट टर्न अवे एंड बैक टू द होल अंडर द रॉक ये बार ये शब्द सुनकर आंट दोबारा अपने वापस चली गई और अपने होल में जाने लगी गुड बाय मिस आंट सेट माउस उसने कहा गुड डे उसने उन्हें बुलाया आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू here अगेन मैं दोबारा तुम्हें यहाँ देख कर बहुत खुश हुआ आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर मिस्टर माउस सेट द लिटल आंट वेरी रेस्पेक्टफुली उसने उसके उससे बड़े आदर के साथ कहा दिस चैप्टर इज ओवर नाउ Now, learn question answer meanings and exercises of the chapter carefully. Thank you very much.